हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सज रखी है क्योंकि यहाँ पर किसान मेला शुरू होने वाला है, इसी के लिए सब तैयारियाँ चली हुई है यहाँ पर। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ जिम। विनोद अभी गया है पूसा मार्केट, तो हम जिम में मिलेंगे। तो उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे आज बाइसेप का। और यूनिवर्सिटी बहुत ही प्यारी लग रही है गाइस, आज बहुत ही अच्छा होने वाला है किसान मेला, तो उसका ये व्लॉग बनेगा। अभी मैं जिम कर लेता हूँ और उसके बाद शायद हम कल सुबह मिलेंगे। अब व्लॉग को कल सुबह से कंटिन्यू करूँगा। गाइस, ये किसान मेला शुरू हो चुका है। अभी लंच करके मैं वहाँ पे जाऊँगा और आपको पूरा किसान मेला दिखाऊँगा। सो गाइस, आज है किसान मेले का पहला दिन और आज के दिन भी मैं लेट हो चुका हूँ। पूरा दिन मैं सोया ही रह गया। और यहाँ पर काफ़ी सारे चीफ गेस्ट आए थे आज, जैसे कि यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और DGICR, और मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाया। अभी आप देख सकते हो मेरी आंखों को, जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ। और प्रतीक के भी वही हाल है। और हमारा प्लान था वैसे 2:30 बजे आने का, पर लंच के बाद हमें बहुत नींद लग गई थी और हम सो गए, जिस वजह से हम कुछ भी कवर नहीं कर पाए आज। और अभी हम घूम के आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे कि क्या क्या सेटअप हुआ है किसान मेले में। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं गाइस, हमारे कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट के स्टॉल लगते हैं। साथ ही में कुछ फार्मर्स आए होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल करते हैं, तो वो सब कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अब हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो गाइस, ये सामने लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के पीछे से ये रास्ता जाता है ग्राउंड की तरफ। और अब तो लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं। गाइस, आपको जैसे कि पता है हम हर फंक्शन में लेट हो जाते हैं और कुछ भी हम कवर नहीं कर पाते अच्छे से। तो कल से मैं ट्राई करूंगा जल्दी जाकर कवर करने का। तो गाइस, ये है मेन गेट किसान मेला 2021 RPCAU पूसा। काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पर, भले आप देख सकते हो चारों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं। और ये बीच में वहाँ पर रात को प्रोग्राम होगा। आइए सर। ओहो, सबसे पहला स्टॉल तुम्हारा है। स्टॉल में भी ये देखिए। बहुत सही, बहुत सही। क्या मॉर्निंग में नहीं चाहिए था? अरे सो गए यार, मैं आना था 3 बजे आ रहा था, मैं सो गया। इतना सही बनाया हुआ यार, बहुत सही। इसका भी कंपटीशन था क्या? ओ भाई, तो गाइस इन सब का यहाँ पे कंपटीशन था, इस पे भी अवार्ड मिले हैं। आलू है ये भाई साहब, लाल पीले नीले हर तरह के आलू। ओए, ये क्या है? वाह, मिर्ची और ये लौकी, इसे यहाँ पर कद्दू कहा जाता है गाइस। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? कुम्हड़ा। कुम्भड़ा। अरे लहसुन, प्याज, ये क्या चीज़ है? ओल बोलते हैं। ओल क्या सब्जी बनती है इसकी? वही देखने तो बड़ा डरावना लग रहा था। गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एग्जीबिशन के लिए रखे थे और इन सब का यहाँ पे कंपटीशन हुआ है, जिसके ऊपर जो प्राइस है वो भी चिपका दिया गया है। फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस, ऐसे अप टू 7th प्राइस तक रखा हुआ है। और यहाँ पर हर एक चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ है और काफ़ी अच्छा है किसानों को बताने के लिए। और इस तरीके के मेले होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं आगे। और ये दूसरा स्टॉल हमने फिनिश कर लिया है। और यहाँ पर पीछे सीड्स का है, कुछ सीड्स के बारे में। तो गाइस, कल जो मैं व्लॉग बनाऊंगा उसमें मैं हर एक स्टॉल में जाके जानकारी इकट्ठी करूँगा और आपको बताऊँगा। ये है सॉइल साइंस का मॉडल और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद अपने हाथों से ये मॉडल बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे मॉडल बने हैं गाइस। और ये वर्मी कंपोस्ट। हेलो सर, तो अब हम चलते हैं आगे। मैं सब स्टॉल तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे देख देख कर, पर जो भी इम्पॉर्टेंट स्टॉल्स होंगे वो मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये मेडिसिनल प्लांट्स है, एलोवेरा, पतलचूर, हड जोड़, यार क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, बहुत ही अजीब अजीब से नाम है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो गिलोय, स्टीविया, सदाबहार, अजवाइन, सब कुछ है। तो अब चलते हैं और आगे। सर, आप जजिंग कमेटी में थे ना आज? ये सब डालूंगा मैं, ये सब मत कर। नहीं नहीं, यहाँ पे ना हाथ नहीं रखना पड़ेगा सर के ऊपर, बोलेंगे जज के सिर पे हाथ रखो, यही जीतेगा। जलेबी बन रही है और अभी जलेबी खाएंगे। अब कहाँ जाना है? हम खा लेते हैं फिर चलेंगे। जलेबी का मजा खेत में। जलेबी का मजा खेत में।
अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा भाई। मस्त मजा है, गरम गरम है, वो पेपर लेना चाहिए। गाइस जलेबी क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? जलेबी, ये इमरती है। इमरती, इमरती, इमरती। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने कॉलेज के स्टॉल पे। ये है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस का स्टॉल। और मनीष भैया क्या क्या है भैया, बताओगे कुछ? यहाँ पे फंगस है किसान के यूज के लिए, और यहाँ पे एसेंशियल ऑयल है हल्दी का तेल। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ आप। ये एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, इसे सूखे हल्दी के पत्ते से ऑयल निकालते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली है और इसका अलग अलग यूज है। तो गाइस ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। तो गाइस ये है पंडाल जहाँ पर की आज फंक्शन होगा, कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी डांस की, सिंगिंग की, और एक दिन यहाँ पर कवि सम्मेलन भी होता है, वो सब कुछ कवर करने की ट्राई करूँगा। चलो डांस करेंगे। सॉरी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये है विद्युत प्रीतम गोगोई। बहुत प्यारा व्यू गाइस। यही कुछ दो तीन मौके होते हैं जब हमें बहुत मजा आता है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एंजॉय करने के लिए यहाँ पे बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, और साल में लगभग 3 या 4 दिन ऐसे रहते हैं जब हम पूरा पूरी तरह से इंजॉय करते हैं। तो चलते हैं अभी डिनर करने। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, और अब कुछ देर हम वहाँ पर डांस करेंगे, और अब आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। चल चल चल, जॉइन द पार्टी ब्रो। Thank you.
गाइस आज का फंक्शन ख़त्म हो चुका है, फिर अच्छे गाने के साथ फंक्शन ख़त्म हो रहा है। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। बाय।